तीतर के आगे दो तीतर, तीतर के पीछे दो तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर, ये पहेली पूछाते रहो। एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, बूझो तो जानो। गारंटी प्राइस लिख दिया, एमएसपी आपने लिखी नहीं। फसल बीमा योजना की आप बात करते हैं, 10,000 करोड़ से ज्यादा प्राइवेट कंपनियों को आपने किया। पीएम किसान की आप बात करते हैं, किसान के बाद बात कर रहे थे, वैभूति किसान की वैभूति का काम अगर किसी ने किया है, उसी पीएम किसान के अंदर आपने 10,000 करोड़ काट दिए। किसान की लाचारी, 35 किसान रोजाना मरते हैं, आप कुछ नहीं कहते। और वो कृषि जो आत्मनिर्भर बना रही थी, उसको 3 काले कानून लाकर उसकी रीढ़ की हड्डी पे मारा आपने। न्यूनतम समर्थन मूल्य, मैं प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, किसान की लागत पर, इनपुट कॉस्ट पर खर्चा निकालकर हिसाब कर 50% पर मुनाफा देंगे। और फिर क्या, चलिए इनका बजट जो था उसमें खपत, निजी निर्यात सारी चीजें ठप पड़ी हैं। मंदी से निकलने के लिए इनके पास में कोई रोड मैप नहीं था। एमएसएमई पीस पे इन्होंने कुछ नहीं कहा, डिफेंस के ऊपर इन्होंने कुछ नहीं कहा, जैसे कि चाइना तो अब है ना हमारी सरजमीन पे है ही नहीं, इसलिए डिफेंस के लिए आप कुछ बोले ही नहीं। और आपका जो ये बजट था उसमें जो करना था उसके अंदर कोई आपका विजन नहीं था, कोई आपका रोड मैप नहीं था। और 2016 का जो मिस्टर जेटली का बजट है, दैट स्टिल कंटिन्यूज टू बी द गोल्ड स्टैंडर्ड बजट, आप कुछ नहीं कर पाए। चाहे आत्मनिर्भर का पैकेज लेकर आए हो, आप विफल रहे। और पैंडेमिक के अंदर जो इकोनॉमिक फोस्टर करने के लिए ज़रूरत थी वो नहीं कर पाए। 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी आप छू नहीं पाएंगे। और मुझे 5 मिनट दीजिए, इन्होंने बात करी नोटबंदी की, रातों रात ये नोटबंदी लेके आए। इनका चुनावी वादा था हम काला धन वापस लेकर आएंगे, अर्थव्यवस्था का आपने भट्टा बिठा दिया। और कोई काले उद्देश्य आपके पूरे जो उद्देश्य उससे पूरे नहीं हुए, कोई काला धन वापस नहीं आया। 15 लाख रुपए आज तक आपके वापस नहीं आए। GST जिसका आप विरोध करते थे, गुजरात और बीजेपी कभी इसका फेवर नहीं करेगी। पहले सत्ता से पहले GST में हानि, सत्ता पाकर GST में तरक्की की निशानी। और आप फ्लॉट GST लेके आए जिससे आपकी रेवेन्यू रिसीट सारी की सारी नीचे है। मनरेगा जिसे आप कहते थे कांग्रेस की नाकामी का जीता जाता स्मारक है, वही मनरेगा है जिसने आज लॉकडाउन उनके अंदर रोजगार देने का काम किया। आप 100 से 200 दिन की आपने करी नहीं। आपके आंकड़ों में मनरेगा गुणगान गाते हैं, भाषणों में गरीब का मजाक उड़ाते हैं। बहुत बात करते थे रुपया गिर रहा है, रुपया गिर रहा है। अब आपके टाइम में ऐतिहासिक तरीके से रुपया गिरा, लेकिन कोई बात नहीं। आप दलितों का दमन, आजकल बहुत यहां पर चर्चा होती है इस हाउस के अंदर दलितों के दमन के अंदर। रोहित वेमुला वॉज एन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मर्डर, मेनी मस्ट हैव डाइड बिफोर हिम एंड आफ्टर हिम, बट रोहित वेमुला दैट SE स्टूडेंट हु रोट दैट लेटर, there is always going to be in history a pre Rohit Vemula phase and a post Rohit Vemula phase. This is what you are doing. IIT, IIM, in institutions ke sath aapne kya kiya? Main abhi filhal mein tum shant rahe. Well, this is all impacting the budget. This is all impacting the budget. IIT, IIMs, main abhi ek kitab pad rahi thi recently. It is the making of the institution of JNU. आपके कालखंड में आएगा the dismantling of institutions. किस और 60% SC ST के पद आज तक IIMs वगैरह में खुले हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कब लाए थे आप बताइए, कब लाए थे? वो भी लॉकडाउन में लाए थे जब सारे के सारे संस्थान आपके बंद थे। हम 5 सितारा होटल में थे उस वक्त और सारे विश्वविद्यालय बंद थे, तब आप एजुकेशन पॉलिसी लाए। क्यों लाए, चर्चा नहीं करी आपने किसी से? डीजल पेट्रोल के भाव कहाँ आसमान छू रहे, महंगाई की आप बात करते हैं। ईंधन महंगा, खाना महंगा, ट्रैवल महंगा, पढ़ाई महंगी, आवास बनाना महंगा, आम जीवन महंगा, रोजगार आपका बंद, महंगाई बुलंद। आत्मनिर्भर भारत पे आपने क्या किया, पैकेज दिया, और वो कृषि जो आत्मनिर्भर बना रही थी उसको 3 काले कानून लाकर उसकी रीढ़ की हड्डी पे मारा आपने। न्यूनतम समर्थन मूल्य, मैं प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, किसान की लागत पर, इनपुट कॉस्ट पर खर्चा निकालकर हिसाब कर 50% पर मुनाफा देंगे। और फिर क्या, तीतर के आगे दो तीतर, तीतर के पीछे दो तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर, ये पहेली पूछाते रहो। MSP थी, MSP है, MSP रहेगी, बूझो तो जानो। गारंटी प्राइस लिख दिया, MSP आपने लिखी नहीं। फसल बीमा योजना की आप बात करते हैं, 10,000 करोड़ से ज्यादा प्राइवेट कंपनियों को आपने किया। पीएम किसान की आप बात करते हैं, किसान के बाद बात कर रहे थे, वैभूति किसान की वैभूति का काम अगर किसी ने किया है, उसी पीएम किसान के अंदर आपने 10,000 करोड़ काट दिए। किसान की लाचारी, 35 किसान रोजाना मरते हैं, आप कुछ नहीं कहते। केस कृषि पे देख रही थी तो मैंने पढ़ा, पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर केसर कहीं होती है तो सब जम्मू कश्मीर में होती है। जम्मू कश्मीर में केसरिया साफों की मीटिंग हुई थी, कैसे हुई थी वो प्रधानमंत्री के संसद में अक्षु जल के संकल्पों का राज है, ये तो बाद में खुलेगा कि कैसे हुई थी। किसान से वार्ता के बाद में 11 बार वार्ता करी और ये कहा कि हम वार्ता के लिए खुले हैं, लेकिन वाराणसी के अंदर पीएम जाके कहते हैं कि 3 कानून वापस नहीं लिए जाएंगे। तो फिर वार्ता क्यों कर रहे थे, डकोसला क्यों कर रहे थे आप?
फिर कहा अब कह रहे हैं हम एक फोन दूर हैं, तो क्या हुआ आपका फोन लग नहीं रहा? लगेगा भी कैसे? MTNL और BSNL को आपने पीट दिया, 4G और रिलायंस के फोन्स पे लगेगा। ऐसे पूंजीपति मित्रों के मुनाफे से डायल किया हुआ फोन किसान कभी नहीं उठाएगा, कभी नहीं उठाएगा। पूंजीवादी व्यवस्था की गोद में है मोदी सरकार। डिसइन्वेस्टमेंट एंड प्राइवेटाइजेशन इज द न्यू एजेंडा। 2000 यूनियन बजट 21-22 प्राइवेटाइजेशन इज द मेन थीम। आपने क्या किया? पीयूष गोयल जी का लेटेस्ट बयान है परसों का, उनको कहना पड़ा कि रेलवे प्राइवेटाइज नहीं हो रहा है, और गुस्सा आया तो क्या बोला, लेकिन सरकार रोड भी तो सरकार बनाती है, उस पर क्यों फिर आप नहीं पूछते कि सिर्फ सरकारी वाहन क्यों नहीं चलते? देखिए आपकी झुंझुलाहट। वैक्सीन डिप्लोमेसी, रघु शर्मा जी मंत्री जो बता रहे थे कि किस तरीके का क्रंच वैक्सीन में हो रहा है, आप सच्चाई को सुनना नहीं चाहते थे, आप बाहर चले गए। और आज सेकंड लहर ऑफ कोरोना आ रही है, क्या किस तरीके से आप करेंगे? आप तो सिर्फ वाई वाई झूठी वाई वाई के अंदर लुटे लगे हुए हैं। इंस्टीट्यूशंस को आपने वीक करने का काम किया, अंगुलियों पे नचाते हैं आप ED CBI को। आपने पुलिस का क्या किया? उत्पीड़न का औजार बनाया। 22 साल की क्लाइमेट एक्टिविस्ट उस दिशा रवि को आपने अरेस्ट करवाया, ये आप डिसेंट को बिलीव नहीं करना चाहते हैं। आपके खिलाफ अगर कोई बोलता है तपसी पन्नू तो IT रेड, कन्हैया कुमार टुकड़े टुकड़े गैंग। किसान मैं आपको आतंकवादी और खालिस्तानी नजर आती हूं, मैं आपको आंदोलनजीवी नजर आती हूं। विरोध के लिए, विरोध के लिए सहनशीलता उत्पन्न करिए मान्यवर। लोकतंत्र की हत्या बर्दाश्त नहीं करेंगे। वर्ल्ड प्रेस सर ये बैठे बैठे बोल रहे हैं, आप क्या व्यवस्था दे रहे हैं मेरे को? आप अपनी बात जारी रखें, उनकी तरफ मत देखिए आप। वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स के अंदर इंटरव्यू नहीं करें बीच में। वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स के अंदर 180 के अंदर हमारी रैंकिंग 142। ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स के अंदर हमारी 162 में से 11। एक तरफ हमारी अर्थव्यवस्था सिकुड़ रही है और दूसरी तरफ आप हमारी स्वतंत्रता और निजता का को कैद में डाल रहे हैं। विजय माल्या बीजेपी और JDS के समर्थन से राज्यसभा मेंबर बने थे 2010 में, भाग गए। आप NPS कर रहे हैं, NPS कर रहे हैं, लेकिन किसान के लिए कर्ज माफी पे स्पष्ट मना कर देते हैं कि कोई कर्ज माफी नहीं होगी। बस दो मिनट। दाल और प्याज के अंदर क्या हुआ? आप जमाबंदी का लेके आए, प्याज के ऊपर आपको क्या करना पड़ा? प्रधानमंत्री आवास आप दे नहीं पा रहे। दूसरी बात, नमामि गंगे, आपका जब टाइम आए तो आप करें बात। नमामि गंगे सर, नमामि गंगे के गंगा मैया ने चीख चीख कर कहा है कोई मेरा बेटा आएगा गंगा को साफ करेगा, और सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। आप जिस स्पीड से चल रहे हैं 100 या 150 साल तक आप गंगा को साफ नहीं कर पाएंगे। गुलाबी क्रांति का क्या हो रहा है मुझे पता नहीं। 2016 में आइए ग्राम लेते हैं, आदर्श ग्राम। आप डिजिटल इंडिया आपका फेल हो गया, पता करिए उन MPO ने जिन्होंने ग्राम लिया वो इंटरनेट भी पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। आधार कार्ड के लिए ऐसे नहीं चलेगा। आधार कार्ड अच्छे बोलने का अपने को अच्छा बुराई का थोड़ी फैसला करना है। आधार कार्ड जिसके अच्छे लिए से नहीं चलेगा। आधार कार्ड जिसके लिए आपके एक वक्त कम कर दीजिए, मैं तो उसको पूरा टाइम दे देता हूं। आधार कार्ड जिसके लिए कहा कि कांग्रेस ऐसे लेकर आई है जैसे कोई जड़ी बूटी है, इसका हम विरोध करते हैं। जिसे पहले बताते थे निराधार, अब उसी को बताते हैं जीवन का आधार, और उसके अंदर हो रहा है निजता का हनन। पहले कहते थे आग पे आग दिखानी पड़ेगी, और चीन ने आज आपकी सरजमीं पे कब्जा कर रखा है, वो 56 इंच का सीने में अंदर। अब आप कौन सी आंख में चोली कर रहे हैं? और सुनिए, खूब पढ़ने के बाद भी अगर आप बेरोजगार हैं, तो शुभकामनाएं दें मोदी सरकार को, ये उनका चमत्कार है। प्लीज श्री ज्ञानचंद पारक, जुडिशरी का क्या हाल हुआ है आप देखिए, अंकित नहीं होगा। डिजिटल इंडिया स्किल इंडिया का क्या हाल हुआ है, अंकित नहीं होगा। एक नई राजनीति इन्होंने उत्पन्न की है। कोई खरीदने को तैयार है, कोई बिकने को बेताब है। किस तरीके से हॉर्स ट्रेडिंग का कल्चर आपने यहाँ पता किया, और भाजपा जो स्वयं दो जरूरत नहीं आपको बीच में इंटरव्यू करने की, मुझे पता है अंकित नहीं होगा। मान्य सदस्य बिराजी, अब आप प्लीज सेव करें, नहीं अलाउ नहीं, मैं अलाउ नहीं कर रहा हूं आपको, अंकित नहीं होगा। मान्य सदस्य बिराजी आप प्लीज सेव करिए। मैं सभी मान्य सदस्य, समय जो है आपके पार्टी के नेताओं द्वारा तय किया गया समय है,
उतना समय जो है मैं आपको दे रहा हूं, बावजूद बार बार मना करने के बाद भी आप यदि नहीं बैठेंगे तो आसन की व्यवस्था कैसे चलेगी? आज माननीय मुख्यमंत्री प्लीज आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय का नेता प्रतिपक्ष का भी स्पीच होना है, समय दिया है 5 बजे, मैं सही 5 बजे माननीय कटारिया साहब को बुला लूंगा, आपकी जितनी मर्जी हो आप अपना समय लें, सही 5 बजे माननीय कटारिया साहब को बुला लूंगा मैं। मैंने बार बार आप लोगों को कह दिया कि समय की पाबंदी है, समय की सीमा है, जो समय आपने दे रखा है वो समय जो है 6:30 बजे जा रहा है, लेकिन मैं माननीय कटारिया साहब को 5 बजे बुला लूंगा, जितने वक्ता बोल पाएंगे उतने बोल पाएंगे। और मैं फिर आग्रह कर रहा हूं आपसे, आसन की व्यवस्था है, आसन के कहने के बाद आप विराजें, मैं आपको 2-3 मिनट पहले आपको मैं आगाह कर देता हूं कि आपका समय समाप्त हो रहा है, कृपया सहयोग करें। सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब इस सदन में बजट पेश किया था उस दिन उनका मूड बहुत अच्छा था और पानी पी पी के एक से बढ़कर एक